जहां कोरोना महामारी एक तरफ पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए, वहीं दूसरी ओर मां भारती रक्षा वाहिनी संस्था लगातार भारतीय सेना के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करती रहती है। और आज सोनीपत सीएमओ की तरफ से परमिशन न मिलने के कारण मां भारती रक्तवाहिनी संस्था 150 से ज्यादा रक्तदाता लेकर दिल्ली FTC आर्मी ब्लड बैंक के लिए रवाना हुई। रक्तदाताओं ने बहुत ज्यादा जज्बे और उत्साह के साथ रक्तदान करने की ठानी है। पूर्व विधायक राजीव जैन ने बताया कि मां भारती रक्तवाहिनी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमारी भारतीय सेना के लिए रक्तदान करवाने के लिए रक्तदाताओं को दिल्ली लेकर पहुंच रही है। मां भारती रक्तवाहिनी संस्था के संचालक देवेंद्र गौतम ने बताया कि महामारी के समय में रक्त की ब्लड बैंक में बहुत ज्यादा कमी हो गई है, जिसको देखते हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपील भी की थी। टीम भारती न्यूज। हाँ सर, ये हमें आर्मी जो RR हॉस्पिटल के जो अंडर जो नॉर्थ जोन का हमारा ब्लड बैंक है AFPC, उसके अंदर हमें जो युवा साथी हैं सोनीपत से, वो इकट्ठे होकर के वहाँ पे रक्तदान करने के लिए जा रहे हैं। कितनी संख्या में वहाँ पर आज रक्तदान का टारगेट? हमारा जो टारगेट था वो 150 के आसपास का है, और जहाँ तक है हम उसको क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने व्यक्ति यहाँ से रक्तदाता है, कितने जा रहे हैं? यहाँ से रक्तदाता हमारे जो अभी हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे 100 के लगभग यहाँ पे रक्तदाता पहुँच चुके हैं। और कुछ रक्तदाता जैसे गुहाना से और पानीपत से और जो दूर दराज से आ रहे हैं, उस डायरेक्ट सीधे गाड़ी लेकर के वहाँ पे पहुँच रहे हैं। सोनीपत से ही या बाहर से भी आ रहे हैं? बाहर से भी आ रहे हैं। जो साथी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ा हुआ था, जिनके अंदर जुनून है आर्मी के लिए कुछ करने गुजरने का, तो वो हमारे साथ दूर दूर दराज से भी पहुंच रहे हैं। तो मुख्य रूप से आर्मी के लिए कैंप लगाया जा रहा है? मुख्य रूप से आर्मी के लिए और वहीं के ब्लड बैंक में लग रहा है। नाम? मेरा नाम देवेंद्र गौतम है और मैं प्रवक्ता और सह सचिव हूँ अपना मां भारती रक्तवाहिनी में। रक्तवीर जो है वो रक्तदान करने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपके इसके बारे में? देखिए, जो है रक्तदान जो है एक महादान है, और रक्त की कमी जो है इस कोरोना महामारी के चलते पूरे देश के जो है रक्तदान बैंकों में महसूस की जा रही है, और विशेषकर जो हमारे सेना के बैंक है, क्योंकि बहुत कम जो है उनके बैंक हैं, और वहाँ सेना के अस्पतालों में जो है पूर्व सैनिकों के परिवार और वर्तमान सैनिकों के परिवार जो है इलाज कराने के लिए, थैलेसीमिया का इलाज कराने के लिए और जो है महिलाओं की डिलीवरी के लिए वहाँ रक्त की जो है बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और मां भारत की रक्त वाहिनी के सभी सदस्य जो है इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि वो सोनीपत से चलकर बड़ी संख्या में जो है दिल्ली में जाकर जो है सेना के रक्तदान शिविर में भाग लेंगे और वहाँ पर जो है अपना रक्तदान करेंगे। और रक्त का जो है कोई विकल्प नहीं है, केवल जो है दान से इसकी पूर्ति होती है। मैं पुनः जो है मां भारती रक्तवाहिनी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये पावन पवित्र कार्य जो वर्षों से कर रहे हैं इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आम जनता को जो है मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान कोरोना महामारी के चलते सारे जितने भी ब्लड बैंक हैं सभी जगह जो है रक्त की कमी महसूस की जा रही है। और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी भी जो है कल एक खरकोटा में रक्तदान शिविर किया था, आज जो है हमारे सेक्टर 8 कार्यालय में जो है युवा मोर्चे की तरफ से रक्तदान शिविर किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रक्तदान शिविर जो है हमारे युवा साथी लगाएं, ताकि ब्लड बैंकों में रक्त की कोई कमी ना रहे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।